कपड़ा भर के हमारे अंदर बेइज्जती करने के लिए गए थे। उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। दुर्व्यवहार का आरोप लगा है, अग्रिम जांच तक उनको सस्पेंड कर किया जा रहा है। हमारे भैया को सब चारों लोग मारते, बहुत मार पीट के मारे, धमा भरे भैया यहाँ भाग के आए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। FIR दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंची महिला के साथ दरोगा ने अश्लील हरकत की और महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। ऐसा आरोप महिला के परिवार वालों ने लगाया है, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में ही परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया है। कई पुलिस वाले परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन परिवार का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच मौका पाकर दरोगा थाने से फरार हो गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर का है, जहां पर एक महिला शिकायत लेकर थाने पहुंची थी और दरोगा ने इसे अकेले में ले जाकर इसके साथ अश्लील हरकत की और इस महिला के कपड़े फाड़ दिए। ऐसा आरोप इस महिला के परिवार वाले लगा रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने जानकारी दी है कि दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है और CCTV फुटेज के आधार पर जांच जारी है। अगर किसी ने भी महिला के कपड़े फाड़े हैं तो उस पर FIR दर्ज की जाएगी। बहरहाल पुलिस अधीक्षक ने यह भी जानकारी दी है कि इस महिला का इसके पति के साथ विवाद चल रहा था, दहेज उत्पीड़न का मामला था, लेकिन अब इस महिला के साथ जिस तरह से मामला सामने आया कि दरोगा ने इस महिला के कपड़े फाड़ दिए हैं, वहीं इस पूरे मामले की आगे जाँच पड़ताल जारी है। पीड़िता ने क्या कुछ कहा है और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। आप थाने पे आई थी, क्या हुआ? हमारे हमने तहरीर दी, तहरीर का मान नहीं किया, उसके बता हमारे मुंह में कपड़ा भर के हमारे अंदर बेइज्जती करने के लिए गए थे। किसने? वो दरोगा साहब। अंदर यहाँ पे महिला नहीं थी? महिला नहीं थी, बाहर निकल गई। हमारे भैया को सब चारों लोग मारते, बहुत मार पीट के मारे, धमा भरे भैया यहाँ भाग के आए। कार्रवाई कोई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। जनपद गोंडा में कुतवाली देहात थाना पे एक महिला के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पे स्वयं अपनी टीम के साथ कोतवाली देहात यहाँ थाने पहुंचकर इसकी ब्रीफ जांच की गई है। अभी तक की जांच में ये निकल कर आया है कि एक ये पति पत्नी का विवाद था, जिसमें एक महिला जिनके पिता का नाम हवलदार शुक्ला है और पति का नाम सुधीर तिवारी है, उन्होंने अपने पति एवं ससुराल वालों पे दहेज का मुकदमा लिखवाया था जनवरी के महीने में। 2 महीने के अंदर ही मार्च में इस मुकदमे में विवेचना करके चार्जशीट न्यायालय में भेज दी गई थी। इनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कि दहेज उत्पीड़न इत्यादि का आरोप लगाया गया था। महिला जो है अपने मायके में रह रही थी, कल उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि उनके पति दूसरी शादी कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन पे महिला इंस्पेक्टर ने आज ही दोनों पक्षों को बुलाया था और अटेंड करके ये इनमें बात बनी थी कि दोनों ही पक्ष, कोई भी पक्ष शादी नहीं करेगा जब तक कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके उपरांत महिला अपने भाई महेंद्र शुक्ला के साथ में ससुराल पहुंच गई और वहां पे दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ। इसकी सूचना 112 और इंस्पेक्टर जो यहां पे थाने के हैं उनको प्राप्त हुई। इस पे पुलिस ने सुधीर तिवारी, जो उनके पति है, और उनके भाई महेंद्र शुक्ला, उनको लेके आए, पकड़ के थाने पे लेके आई थी अग्रिम कार्रवाई हेतु। उसके बाद महिला ने थाने पे आकर ये बताया कि उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए हैं पुलिस के द्वारा, पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पे उन्होंने आरोप लगाया। इसमें महिला ने जो ससुराल वालों पे आज जो आरोप लगाया है उसके संदर्भ में भी एक मुकदमा लिख दिया गया है और जो संबंधित सब इंस्पेक्टर है जिन पे दुर्व्यवहार का आरोप लगा है, अग्रिम जांच तक उनको सस्पेंड कर किया जा रहा है और एडिशनल SP जो है उनको कार्य दिया जा रहा है कि जितने भी CCTV फुटेजेस हैं रास्ते से लेके यहां तक के भी और थाने के भी, उन सबको कलेक्ट के मात्र 6 घंटे के अंदर इस चीज को क्लियर करे कि किन लोगों ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है। जिन्होंने भी अगर दुर्व्यवहार अगर कपड़े फाड़े हैं, चाहे सिविलियन हो चाहे पुलिस का हो, उसमें मुकदमा तक भी पंजीकृत कराया जाएगा। फिलहाल ये एक मामला पति पत्नी का विवाद था, जिसमें कि दहेज उत्पीड़न का मामला चार्जशीट करके ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा था। आज महिला अपने ससुराल में गई थी, जहां पे कि दोनों पक्षों में फिर मारपीट हुआ था, उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन महिला ने अपने आरोप लगाया कि उनके कपड़े फाड़े हैं, तो इस पर एक सब इंस्पेक्टर सस्पेंड किया गया है एवं इसकी जांच मात्र 6 घंटे के अंदर जो क्लियर है वो कराया जाएगा।